welcome guys today's our topic is extraocular muscles okay so our extraocular muscle is divided into two types one is voluntary and another one is involuntary okay so involuntary there are seven type of voluntary extraocular muscle uh, for recti muscle we all know that superior rectus inferior rectus then our medial rectus and lateral rectus. So these are our four recti muscle. After that, there is two oblique muscles. We know that one is our superior oblique, and another one is our inferior oblique. And the last one is our LPS muscle, levator palpebri superioris muscle, which is a lead muscle. I have made a video on lead muscle. तो वहाँ जा अपन देख सकते हैं उसमें हॉर्नर सिंड्रोम जो होता है और कौन सी मसल इफेक्ट होगी दो लीड लिफ्टिंग मसल होती है तो एक, एक उसका एक्सप्लेनेशन आप उसमें देख लेना सो दीज सेवन आर आवर वॉलेंट्री एक्स्ट्रोक्युलर मसल नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इनवॉलेंट्री एक्स्ट्रोक्यूलर मसल देर आर थ्री टाइप ऑफ इन्वॉलेंट्री एक्स्ट्रोक्युलर मसल तो फर्स्ट वन इज आवर सुपीरियर टारसल दूसरी कौन सी होगी इंफीरियर टार्सल और जो लास्ट है वो है ऑर्बिटेलिस तो ये तीन अपनी इनवॉलेंट्री मसल्स हैं सुपीरियर टार्सल इंफीरियर टार्सल ऑर्बिटेलिस अब अपन देखते हैं इनका ओरिजिन ठीक है तो ओरिजिन ऑफ आवर एक्स्ट्राक्यूलर मसल तो यू शुड रिमेंबर दैट ऑल द रेक्टाई मसल तो सारी सुपीरियर मीडियल लेटरल इन्फीरियर ऑल द डटाई मसल जो होती है दे हैव ए कॉमन ओरिजिन ओके एंड वट इज द नेम एन्यूलर टेंडन और इसे अपन क्या बोलते हैं एन्युलर टेंडन और टेंडनियस रिंग ओके सो ऑल हैव सेम ओरिजिन, आफ्टर दैट वी विल लुक अबाउट आवर सुपीरियर ओब्लिक मसल तो आवर सुपीरियर ओब्लिक मसल Is originate from body of sphenoid. Now, look our inferior oblique muscle, it is arise from maxilla bone from where orbital surface of our maxilla. Okay, the inferior oblique maxilla, and last one is our LPS levator palpebrae superioris muscle this muscle will also arise from sphenoid but not from the body it will arise from the orbital surface of lesser wing now look so all the recti muscle have common origin and uh, tendination this is also known as uh, annulus of gin annulus of gin और स्फिनोइड से अपने को बताया दो मसल एराइज हो रही है स्फिनोइड बोन से बॉडी से हो रही है सुपीरियर ओब्लिक और एल पी एस जो हो रही है वो हो रही है लेसर विंग से है ना तो हाउ वी विल रिमेंबर दिस लुक लेसर विंग एल फॉर एल पी एस ओके तो लेसर विंग जो होता है वो एल पी एस को देगा और बॉडी जो होगी वो सुपीरियर ओब्लिक को देगी और कैसे लुक ये अपनी आई बोलोगी ठीक है आई और इन्फीरियर ओब्लिक का कैसे याद रखेंगे आंख में नीचे क्या होता है मैगजीला बोन होती है तो इन्फीरियर साइड जो होगी वो इन्फीरियर ओब्लिक जो थी वो मैक्सिला से निकलेगी सिंपल और सुपीरियर ओब्लिक और जो एल पी एस है वो कहाँ से निकलेगी स्फिनोड से निकलेगी ठीक बात है और स्फिनोय में एल लेसर विंग से एल पी एस और बॉडी से सुपीरियर ओब्लिक तो ऐसे याद हो जाएगा ओके नाउ लुक एट द इंसर्शन ऑफ दिस मसल तो यू शुड रिमेंबर दैट ऑल द एक्सट्रिकुलर मसल जो होती है सारी दे आर इंसर्ट इन आवर स्क्लेरा वेदर इट इज रेक्टाई ओब्लिक्स ओके तो रेक्टाई मसल जो होती है सारी की सारी कहाँ हो रही है ये भी स्क्लेरा पे हो रही है ठीक है सो ऑल द फोर रेक्टाई दे आर इंसर्ट इन इन टू आवर स्क्लेरा ए लिटिल पोस्टीरियर टू द लिंबस ओके नुक स्क्लेरा में ये जो इंसर्ट होती है तो वो क्या होती है इनका इंसर्शन जो होता है वो कोरने से कुछ डिस्टेंस पे होता है ठीक है अब ये जो कोरने से डिस्टेंस जो होता है वो अपने कैसे याद रखेंगे पहले देखो एल एल मतलब क्या है लेटे हुए मतलब कौन सी पोजिशन हो गई सिक्सटी नाइन करके याद रख सकते हैं तो हो होगी अपनी सिक्स पॉइंट नाइन एम एम उसके बाद एल से फिर आई की तरफ जाएंगे तो डिस्टेंस कम होगा तो ये डिस्टेंस जो होती है सिक्स पॉइंट नाइन से कितनी हो जाएगी सिक्स पॉइंट फाइव रह जाएगी ठीक है सिक्स पॉइंट फाइव एम एम और फिर एम वाली जोगी वो फाइव पॉइंट फाइव उससे अगली तो लेटरल से सिक्स पॉइंट नाइन फिर सिक्स पॉइंट फाइव फिर फाइव पॉइंट फाइव तो एल से क्या है लेटर रेक्टस इन्फीरियर रेक्टस मिडिल रेक्टस और जो सुपीरियर रेक्टस होती है वो सेवन पॉइंट सेवन हो गई तो अपने को स्लिम में कैसे याद रखना है एस जो होती है सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पे और एम सबसे कम डिस्टेंस पे तो सुपीरियर रेक्टस सेवन पॉइंट सेवन से लगा के मिडिल रेक्टस फाइव पॉइंट फाइव और एल जो होता है उसको याद रखना है सिक्स पॉइंट नाइन सिक्सटी नाइन पोजिशन रख के याद कर सकते हैं आप ये डायग्राम देख सकते हो ये अपने एक एक खुराना बुक से लिया गया है ऑफ था कि इसमें डिस्टेंस आप देख सकते हो ओके सो सेवन पॉइंट सेवन फाइव पॉइंट फाइव सिक्स पॉइंट फाइव सिक्स पॉइंट नाइन नाउ वी आर गोइंग टू लुक द इंसर्शन ऑफ आवर सुपीरियर ओब्लिक मसल तो सुपीरियर ओब्लिक मसल भी क्या होती है स्कलेरा पे अटैच होती है लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे ये एक पुलिस बनी हुई होती है उसके अंदर से पास होती है ठीक है इट विल पास फ्रॉम ए फाइब्रोकारटिलेजिनस पुली लेट मी शो यू ए डायग्राम ओके फ्रॉम आवर एक एक खरोना बुक तो यहाँ पर दिख रहा है ये जो पुल है उसको बोलता है ट्रोकलिया ठीक है ये पुली तो ये जो अपनी सुपीरियर ओब्लिक मसल है वो इस पुली में से होते हुए आके अपने स्क्लेरा पे अटैच होती है ओके। okay. तो और व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पुली? आल्सो नाउन एज ट्रोकलिया सो आवर सुपीरियर विल पास फ्रॉम दिस ट्रोकलिया एंड विल अटैच टू आवर स्क्लेरा एंड इनफीरियर विल ऑल्सो अटैच टू आवर स्क्लेरा सो यू शुड रिमेंबर दैट ऑल द एक्स्ट्राक्यूलर मसल ऑफ आई विल अटैच टू स्क्लेरा अब अपन इनके फंक्शन के बारे में बात करते हैं इन सब के क्या होते हैं प्राइमरी सेकेंडरी सेग्नेटर्सरी तीन टाइप के फंक्शन होते हैं किसके हो सकते हैं नहीं हो सकते मैं अभी एक ये टेबल बनवा रहा हूँ अभी बस एक बार मेरे साथ साथ ये टेबल देख लो बाद में मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा आपको अच्छे से याद करवा दूंगा तो सबसे पहले अपन देखते हैं अपनी मीडियल रैक्टिस इसका काम क्या होता है एडिक्शन अब ये एडिक्शन मतलब क्या होता है आँख को जो होता है आई का मूवमेंट क्या होता है नोज की तरफ करवाना मीडियल साइड करवाना तो ये सब मैं मूवमेंट के एडिक्शन क्या होता है एबडक्शन क्या होता है ये भी बाद में बताऊंगा तो मीडियल रेक्टस होता है इसका फंक्शन होता है एडिक्शन और इसका कोई सेकेंडरी फंक्शन नहीं है कोई ट्रसरी फंक्शन नहीं है ठीक है उसके बाद देखते हैं लेटरल रेक्टस इसका प्राइमरी फंक्शन है एबडक्शन और इसके भी कोई सेकेंडरी ट्रसरी फंक्शन नहीं है ठीक है अब अपने पास आती है सुपीरियर रेक्टस इसका प्राइमरी फंक्शन होता है एलिवेशन ये प्राइमरी फंक्शन सारे याद करने और इन्फीरियर एक्टर्स का प्राइमरी फंक्शन होता है अपना डिप्रेशन ओके उसके बाद अपनी आती है सुपीरियर ओब्लिक और इनफीरियर ओब्लिक तो सुपीरियर ओब्लिक जो होती है इसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है इनटोरसन तो इसको याद कैसे करना है सिन सुपीरियर आर इन टोटर्स तो उसे कैसे याद रहेगा सुपीरियर का इनटोर्सन और इन्फीरियर ओब्लिक का क्या होता है एक्सटोरसन तो एक लाइन याद कर लेना सुपीरियर आर इन टोटर्स तो सुपीरियर ओब्लिक और सुपीरियर रेक्टस दोनों का काम क्या होता है इंटोर्शन तो सुपीरियर रेक्टस का सेकेंडरी फंक्शन क्या हो गया इंटोर्शन है जबकि सुपीरियर ओब्लिक का प्राइमरी फंक्शन इंटोर्सन था और इसका टर्सरी फंक्शन सुपीरियर रेक्टस का होता है एडिक्शन तो इन्फीरियर रेक्टस का सेकेंडरी हो गया एक्सटोर्सन और उसका इसका भी एडिक्शन ये दोनों सेम है एडिक्शन एडिक्शन कैसे आई विल एक्सप्लेन ओके फिर सुपीरियर ओब्लिक जो होती है इसका हो गया सेकेंडरी एलिवेशन और इन्फीरियर का होता है डिप्रेशन ये भी एक्सप्लेन कर दूंगा और सुपीरियर ऑब्लिक और इन्फीरियर ऑब्लिक इनका टर्स फंक्शन होता है दोनों का एबडक्शन तो टर्स फंक्शन देख रहे हो सेम है रेक्टस का टर्स फंक्शन दोनों का सेम है और ऑब्लिक्स का टर्स फंक्शन दोनों का सेम है ठीक है तो ये अपना ही बोल है लेटरल रेक्टस यहाँ पे अपनी मीडियल रेक्टस नोज की साइड में अब अगर ये अपने क्या कहता है नोज की तरफ लेके आता है तो नोज के साथ क्या हो रहा है उसका एडिशन हो रहा है ऐसा याद रख लो तो ये क्या हो गया एडक्शन जबकि नोज नाक से दूर लेके जा रहा है बाहर की तरफ तो इसको बोलते हैं एबडक्शन तो ये जो होता है दो मूवमेंट हो गए मिडिल रेक्टस का कोई सेकेंडरी और इन दोनों का कोई सेकेंडरी और कोई टर्स मूवमेंट नहीं होता तो मिडिल रेक्टस और लेटर रेक्टस इनके सिर्फ प्राइमरी मूवमेंट होता है यहाँ पे सुपीरियर रेक्टस इन्फीरियर रेक्टस बनाओ और इन्फीरियर ओब्लिक इन्फीरियर ओब्लिक और सुपीरियर ओब्लिक ये डायग्राम दिमाग में होना चाहिए इन्फीरियर रोब्लिक ऊपर है नाउ लुक ये अपनी आई बोलोगी अब अगर ऊपर की तरफ मूवमेंट होगा तो उसको अपन क्या बोलेंगे एलिवेशन और अगर नीचे की तरफ मूवमेंट होगा उसको बोलेंगे डिप्रेशन अब आई में एक रोटेटिंग मूवमेंट भी होता है अगर ये रोटेशन जो है वो टूवर्ड्स द नोज है ना अगर नाक की तरफ रोटेशन हो रही है आँख का तो इसको अपन क्या बोलेंगे इन टोर्शन ठीक है तो ये रोटेटिंग मूवमेंट है अगर टूअर्ड द आई है सॉरी टूअर्ड द नोज है तो ये होगा अपना इन टोर्सन लेकिन अगर अवे फ्रॉम नोज है तो इसको क्या बोलेंगे अपने एक्सटोरशन ओके तो एलिवेशन डिप्रेशन रोटेटिंग मूवमेंट जो होता है अगर टूवर्ड्स द नोज है तो इन टोर्शन और अवे फ्रॉम दैट है तो नोज है तो एक्सटोशन ठीक है नाउ वी सी ए डायग्राम फ्रॉम आवर एक एक खुराना ऑफथा बुक ठीक है तो ये जो है डायग्राम मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा बनाना एकदम अच्छे से आपको एक, सारे फंक्शन क्लियर हो जाएंगे सुपीरियर रेक्ट्स जो है यहाँ पे अगर ऊपर जा रही है एलिवेशन है और टुवर्ड्स द मीडियल रेक्ट्स यानी कि टुवर्ड्स द अपने नोज है तो एडिक्शन है ठीक है अब देखो नीचे की तरफ देखो अपना सुपीरियर ओब्लिक ये इंटोशन रोटेटिंग मूवमेंट दिखा रहा है सुपीरियर ओब्लिक का भी क्या ये इंटोर्शन हो गया तो ये जो है गोला घुमा के देखेंगे तो इसका जो मूवमेंट है ये क्या हो गया अपना इंटोरशन है जो कि नाक की तरफ रोटेट हो रही है अब अपन देखते हैं अपनी इन्फीरियर ओब्लिक को और इसमें क्या ये एक्सटोशन करवाती है अपने को पता है और नीचे की तरफ देखो तो इन्फीरियर रेक्टस जो है वो भी एक्सट्रोशन करवाती है तो इसका मूवमेंट ये तो ये जो होता है अपना एक्सटोशन मूवमेंट है ठीक है अब देखो ये अपनी सुपीरियर रेक्टस इसका अपने को बताएं ये क्या हो गया इंटोर्शन और ऊपर की तरफ एलिवेशन और अंदर की तरफ तीन फंक्शन है इन्फीरियर रेक्टस के भी ऐसे ही हो गए एक्सटोर्शन ये अंदर की तरफ और नीचे सुपीरियर रोब्लिक के भी तीन फंक्शन और इन्फीरियर रिक के भी अपने तीन फंक्शन ठीक है अब देखो सुपीरियर रेक्टस क्या है एलिवेशन करवा रही है और इन्फीरियर रोब्लिक भी एलिवेशन करवा रही है जबकि इन्फीरियर रेक्टस और सुपीरियर रोब्लिक दोनों क्या करवा रही है डिप्रेशन करवा रही है इसमें अपन देखते हैं जो हॉरिजोंटल लाइन पे जो है वो क्या है टर्सरी फंक्शन है सुपीरियर रेक्टस और इन्फीरियर रेक्टस दोनों का सेम है एडिक्शन का और ओब्लिक्स जो है इन दोनों का क्या है एबडक्शन क्योंकि ये क्या हो रही है नाक से दूर ले जा रही है ठीक बात है और अपन ने ये भी देख लिया कि सुपीरियर जो होती है वो इंटोर्सन का काम करती है वेदर इट इज़ सुपीरियर रेक्टस और सुपीरियर ओब्लिक बोथ विल डू द इंटोरशन तो इन्फीरियर ओब्लिक और इन्फीरियर रेक्टस ये क्या करेगी एक्सटोर्सन करेगी अब ये जो डायग्राम है अगर आप ये विजुलाइज करके रखोगे जो मैंने इनिशियली बनाया था जिसमें मैंने ये लाइन और नहीं बना रखी थी वो माइंड में रखना है और उससे अपन कोई भी चीज़ डराइव कर सकते हैं तो मान लो अगर अपने को सुपीरियर रेक्टस के फंक्शन डेराइव करना है तो ये मान लो सुपीरियर रेक्टस है ये डायग्राम बनाया अब अपने को पता है सुपीरियर रेक्टस का मेन काम क्या है एलिवेशन और ये डायग्राम बना दिया तो इसका एलिवेशन हो गया जो इसका प्राइमरी फंक्शन है फिर ये अंदर की तरफ ला रहा है नोज़ में तो एडिक्शन हो गया और ये बीच वाला इसको देखो नाक की तरफ ला रहा है तो ये क्या हो गया इसका इंटोशन सिंपल अब देखें तो सुपीरियर रेक्टस इन्फीरियर रेक्टस दोनों का ट टर, जो टर्सरी फंक्शन था एडक्शन का और ऑब्लिक्स का एबडक्शन का है ना अब ये चार्ट बनाओ देखो सुपीरियर रेक्टस के फंक्शन डेराइव करने हैं तो प्राइमरी फंक्शन इसका क्या होगा एलिवेशन फिर इंटोर्शन और फिर एडक्शन इन्फीरियर रेक्टस का बनाना है तो इन्फीरियर रेक्टस का पहले क्या होगा प्राइमरी फंक्शन क्या है डिप्रेशन फिर एक्सटोर्शन और फिर एडिक्शन सिंपल अब एक ट्रिक याद कर लेना जिसको बोलते हैं सीधा एस आई डी ए इसको क्या पढ़ना है अपने को सीधा ये किसके लिए है सुपीरियर ओब्लिक मसल के लिए तो विजुअलाइज करना हो ठीक है लेकिन एक क्विक वे होना चाहिए अपने पास तो इसको कै सीधा ऐसे क्यों याद करना है? ऐसे ऐसे याद कर लो कि जो सुपीरियर ओब्लिक है लेकिन फिर भी फंक्शन बेचारे का क्या डिप्रेशन तो सुपीरियर है फिर लेकिन कर क्या रहा है इन्फीरियर वाले काम तो सीधा है बेचारा आई से इंटोर्शन हो गया डी से डिप्रेशन हो गया अब ए में आप कंफ्यूज हो सकते हो कि एडिक्शन था या फिर था तो अपने को कि अपने को बताया कि पास दो दो तरीके दूंगा टेकल करने के पहला तो विजुअलाइज वाला तरीका हो गया तो सीधा से डायग्राम बना लो अपने दिमाग में तो सुपीरियर रोब्लिक का सीधा से डायग्राम बनाते अपने को पता चल जाएगा ये क्या कर रहा है दूर ले जा रहा है नाक से तो एबडिक्शन है ठीक है लेकिन इतना लंबा अगर नहीं सोचना है तो सीधा रखना ओब्लिक है सुपीरियर ओब्लिक में बी आ रहा है तो अपने को क्या रखना है एबडक्शन रखना है सिंपल से बात है तो एस आई डी ए हो गया तो इसका ऑर्डर भी कैसे प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी फंक्शन के ऑर्डर में सजा रखा है आई मतलब प्राइमरी और ए वाला टर्सरी ये ऐसे है और टर्सरी अपने को पता है सेम होते हैं ओब्लिक्स जो होते हैं उनके लिए टर्सरी क्या रहेगा एबडिक्शन रहेगा और जबकि रेक्टस का टर्सरी क्या रहेगा एडिक्शन रहेगा ठीक है इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना याद नहीं आएगा तो टर्सरी कैसे याद कर लेंगे अपन सीधा सीधा ओब्लिक में बी आता है तो एबडिक्शन ऐसे याद कर लेंगे और ये डायग्राम अपने को अच्छे से याद रखना है और डराइव कराना चाहिए और एक एक कोरोना बुक में वापस जाके देख लेना नव वी विल सी इट्स नर्व सप्लाई नर्व सप्लाई ऑफ आवर एक्स्ट्रोक्यूलर मसल्स तो याद कैसे करना है एल आर सिक्स एसओ फोर एंड रेस्ट ऑल बाई आवर थर्ड नर्व इन सब का एक डिटेल वीडियो बना रखा है एनाटमी ऑफ थर्ड नर्व एनाटमी ऑफ फोर्थ नर्व एनाटमी ऑफ सिक्स नर्व उन सबको जाके देखो आपको डिटेल एक्सप्लेशन मिल जाएगा सो लिटल रेक्टस मसल इज सप्लाइड बाई आवर सिक्स नर्व विच इज एबेंस एंड सुपीरियर ओब्लिक इज सप्लाइड बाई आवर फोर्थ नर्व विच इज स्ट्रोकलियर एंड रेस्ट ऑल एक्स्ट्रा एक्स्ट्राकुलियर मसल कितनी बच गई पाँच वो सप्लाई होती है और थर्ड नर्व से लेकिन थर्ड नर्व के दो डिवीज़न होते हैं वन इज इज सुपीरियर डिवीज़न एंड अनदर इज़ इन्फीरियर डिवीज़न सुपीरियर डिवीज़न इज सप्लाइंग टू मसल वन इज एल पी एस लेवेटर पालपेब्री एंड अनदर वन इज़ सुपीरियर रेक्टस एंड इन्फीरियर डिवीज़न इज सप्लाइंग थ्री मसल इन्फीरियर ओब्लिक इन्फीरियर रेक्टस एंड आवर मीडियल रेक्टस